बॉलीवुड दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इंडस्ट्री जिसने पिछले कुछ सालों में काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल झेला है। वजह सिर्फ और सिर्फ इनका खराब कंटेंट और बहुत सी कंट्रोवर्सीज। हेलो गाइस, वेलकम टू रिव्यू केंद्रा। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की 10 बेस्ट रिमेक्स की जो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। नंबर 10 पर है बागबान। अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी और सलमान खान की ये फिल्म आप कभी भी अपने पेरेंट्स के साथ मत देखना। 2003 में रिलीज हुई ये फिल्म रीमेक है 1983 में राजेश खन्ना की आई हुई अवतार मूवी का, जिसमें लीड रोल में राजेश खन्ना और शाबाना आजमी हमें दिखाई दिए थे। ये कहानी बेस्ड एक फैमिली इमोशनल ड्रामा पे, जहाँ अमिताभ बच्चन रिटायरमेंट के बाद तय करते हैं कि वो अपने बच्चों के साथ रहेंगे, पर सर्कमस्टांसेस ऐसे बनते हैं कि दोनों ही पति पत्नियों को अलग रहना पड़ता है और यहीं से शुरू होता है पूरा इमोशन का ट्रायंगल। बहुत ही ज़्यादा संस्कारी बच्चे हमें दिखाए जाते हैं सलमान खान, और बाद में फिर आपको अगर मैं पूरी कहानी बता दूंगा तो कुछ मज़ा नहीं आएगा। हाँ, पर इसे पेरेंट्स के साथ बिल्कुल भी मत देखिएगा। नंबर 9 पर है राउडी राठौड़। अक्षय कुमार, सोनाक्षी सिन्हा की इस मूवी में आपको सब कुछ मिलेगा, चाहे वो एक्शन हो, कॉमेडी हो या ड्रामा या हो मास मसाला। 2012 में आई ये मूवी रीमेक है SS राजामौली और रवि तेजा के द्वारा बनाई गई फिल्म विक्रम रुकुड़ू, जो 2006 के अंदर आई थी। इसके अंदर अक्षय कुमार का डबल रोल है, जहां पर एक है चोर शिवा, दूसरा है पुलिस ऑफिसर विक्रम राठौड़। मूवी की स्टोरी लाइन काफी बढ़िया है। मैं ज्यादा कुछ रिवील नहीं करूंगा, पर यह जरूर कहूंगा कि आप इसे एक बार जरूर देख सकते हैं और इसकी रिपीट वैल्यू भी काफी जबरदस्त है। जब ये मूवी रिलीज हुई थी तो इस मूवी ने अक्षय कुमार का जो मास सिनेमा में एक कद है वो काफी हद तक बढ़ा दिया था और ये उनकी हाईएस्ट ग्रोसर ऑफ द करियर बन गई थी उस टाइम में। हालांकि अब तो रोबोट 2.0 है। नंबर 8 पर है भूल भुलैया। अक्षय कुमार, विद्या बालन और अमीषा पटेल की ये मूवी जो आई थी 2007 में रीमेक है साउथ इंडिया के मोहनलाल की मूवी 90s के अंदर आई मणि चित्राराजू। ये मूवी बेस्ड है हॉरर कॉमेडी जनर पर और इसकी स्टोरी भी काफी ज्यादा बढ़िया है। अक्षय कुमार, विद्या बालन और परेश रावल की परफॉर्मेंस के अलावा यहाँ पर आप मूवी देख सकते हैं। बाकी जो अन्य कैरेक्टर्स है जैसे राजपाल यादव और भी जो साइड एक्टर्स हैं, उन्होंने भी काफी बढ़िया काम किया है इस मूवी में चार चांद लगाने का। मूवी हर जगह पर अच्छी बैठती है, चाहे वो कॉमेडी हो, हॉरर हो या हो ड्रामा। बॉलीवुड की ये ऑल टाइम क्लासिक्स के अंदर गिनी जाती है, पर इसका सेकंड पार्ट जिसके अंदर कार्तिक आर्यन ने अक्षय कुमार को रिप्लेस किया था, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। खैर, एनीवेज हम बात कर रहे हैं केवल और केवल रीमेक्स। नंबर 7 पर है दृश्यम। अजय देवगन और तब्बू की ये सस्पेंस क्राइम थ्रिलर फिल्म मुझे काफी ज्यादा पसंद आई। 2015 में रिलीज हुई ये फिल्म रीमेक है मोहनलाल की ही 2013 में आई सेम टाइटल वाली दृश्यम का। अजय देवगन की दृश्यम 1 ने बॉक्स ऑफिस पर उतना कमाल नहीं दिखाया था, पर जैसे ये मूवी OTT और TV पे रिलीज हुई तो लोगों ने इसे काफी ज्यादा पसंद किया, जिसकी वजह से इसका जो सेकंड पार्ट था वो सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर रहा। मूवी रिवॉल्व करती है विजय सालगांवकर यानी अजय देवगन और उनकी पत्नी और उनके दो बच्चों के ऊपर, जहां पर वो एक मुसीबत में फंस जाते हैं और हो जाता है एक पुलिस ऑफिसर के बेटे का मर्डर। अब उसे विजय सालगांवकर अपनी पत्नी और अपने बच्चों को कैसे बाहर निकालता है ये देखने वाली बात है और यही दिखाया जाता है इस पूरी मूवी में। मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये मूवी आपको एक बार तो जरूर देखनी चाहिए, दिमाग हिला देने वाली मूवी में इसे कहता हूँ। और दृश्यम 1 और 2 की मेगा सक्सेस के बाद अब दृश्यम 3 पर भी काम शुरू हो गया है और शायद 1-2 साल में ये हमें थिएटर्स में फिर से देखने को मिले। नंबर 6 पर है सलमान खान की बॉडीगार्ड। सलमान खान और करीना कपूर की ये एक्शन लव स्टोरी रिलीज हुई थी 2011 में और ये मूवी रीमेक है साउथ इंडिया के एक्टर दिलीप और नयनतारा लीड रोल में आई सेम टाइटल वाली बॉडीगार्ड का, जो रिलीज हुई थी 2010 में। मूवी रिवॉल्व करती है सलमान खान जो कि बने हैं बॉडीगार्ड लवली सिंह करीना कपूर के, और उन दोनों के बीच में हो जाता है प्यार पर एक फोन कॉल पे, यानी कि सलमान खान को नहीं पता होता कि जिसकी वो बॉडीगार्ड की ड्यूटी कर रहे हैं उसी से वो प्यार कर बैठते हैं। ये मूवी आगे चलकर कई ट्विस्ट एंड टर्न्स लेती है और लास्ट में शायद इसका क्लाइमेक्स देख के आपके आंसू भी आ जाए। मैं रिकमेंड करूंगा कि इस अलग लेवल की लव स्टोरी को आप जरूर एक बार देखें। नंबर 5 पर है आमिर खान की गजनी। आमिर खान और असीन की 2008 के अंदर आई ये मूवी रीमेक है साउथ इंडिया के सुपरस्टार सूर्या की 2005 में आई सेम टाइटल वाली फिल्म गजनी की।
मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस दी है, जो बिल्कुल भी फील नहीं होने देते कि ये एक रीमेक है। मूवी बिल्कुल वर्थ वॉचिंग है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी इसकी रिपीट वैल्यू भी है। गजनी की जो स्टोरी है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। इसकी स्टोरी रिवॉल्व करती है सिंघानिया, जो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, जो आते हैं इंडिया और उन्हें प्यार हो जाता है असीन से, और फिर ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं जब असीन का मर्डर कर देते हैं गजनी, और किस तरह से उसका बदला लेते हैं आमिर खान। इस ये पूरी मूवी की कहानी है। ये मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। नंबर 4 पर है कबीर सिंह। शाहिद कपूर और कियारा आडवाणी की 2019 में आई ये मूवी रीमेक है विजय देवरकोंडा की 2017 में आई मूवी अर्जुन रेड्डी का। ये टिपिकल रोमांटिक ड्रामा रिवॉल्व करता है कबीर सिंह यानी शाहिद कपूर के कैरेक्टर के अराउंड, जो कि प्यार में पड़ जाते हैं प्रीति के, जो कि होती है इनकी जूनियर, और फिर यहीं पे अप्स एंड डाउन हमें देखने को मिलते हैं। जब ये मूवी आई थी तब ये स्टूडेंट्स के बीच काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई थी। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसे अपने पेरेंट्स के साथ ना देखें, क्योंकि इसमें कई अडल्ट कंटेंट भी है। नंबर 3 पर है हेरा फेरी। अक्षय कुमार, परेश रावल और सुनील शेट्टी की ये क्लासिक कॉमेडी फिल्म जब ये अर्ली 90s में आई थी तब लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद की थी, और इसकी लॉन्गेविटी आज भी है, आज भी लोग इसके थर्ड पार्ट का वेट कर रहे हैं। ये फिल्म रीमेक है साउथ इंडिया की 1989 में रिलीज हुई फिल्म रामाजी राव स्पीकिंग की, पर परेश रावल, अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी की इन तीनों की जोड़ी ने इस फिल्म में 4 चांद लगा दिए और ये बन गई इंडियन सिनेमा की कल्ट कॉमेडी क्लासिक। मैं रिकमेंड करूंगा इसे आप जरूर देखें, और शायद आपने देख भी रखी होगी क्योंकि ये मूवी है ही इतनी फेमस। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इसकी रिपीट वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, जब भी इसे देखो ये फ्रेश ही लगती है। नंबर 2 पर है देवदास। शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय इस मूवी में लीड रोल के अंदर है और इसे डायरेक्ट किया है संजय लीला बंसाली ने। 2002 में रिलीज हुई ये फिल्म रीमेक है दिलीप कुमार, जो कि एक लीजेंडरी एक्टर थे बॉलीवुड के, 1955 में आई उनकी सेम टाइटल वाली फिल्म देवदास की। जी हाँ, ब्लैक एंड व्हाइट जमाने में आई थी ये फिल्म। शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय और माधुरी दीक्षित की ये फिल्म एक नॉवल से ली गई है, जहाँ ये स्टोरी रिवॉल्व करती है देवदास यानी शाहरुख खान और पारो यानी कि ऐश्वर्या राय। इस फिल्म को आप देख सकते हैं शाहरुख खान की ब्रिलियंट परफॉर्मेंस के लिए और एक ब्रिलियंट सैड लव स्टोरी के लिए। इसके साइड कैरेक्टर्स जैसे जेकी श्रॉफ ने भी काफ़ी बढ़िया काम किया है। नंबर 1 पर है अग्निपथ। ऋतिक रोशन, प्रियंका चोपड़ा और संजय दत्त की ये मूवी आई थी 2012 में। चाहे क्रिटिक्स हो या ऑडियंस, इसे आज तक बॉलीवुड की सबसे बेस्ट रीमेक्स में गिना जाता है। ये थ्रिलर वॉयलेंट रीमेक है अमिताभ बच्चन की 1990 में आई सेम टाइटल वाली फिल्म अग्निपथ की। फिल्म रिवॉल्व करती है विजय यानी ऋतिक रोशन के कैरेक्टर विजय, जहाँ पे बचपन में उनके बाप को मिसअंडरस्टैंडिंग में गांव वाले मार देते हैं, और उसके बाद वो कैसे उठते हैं, पूरी एक गैंग बनाते हैं, मुंबई के राजा बनते हैं, और उसके बाद कांचा चीना से बदला लेते हैं। फिल्म देखी जा सकती है ऋतिक रोशन की ब्रिलियंट परफॉर्मेंस के लिए, और इस फिल्म ने उस टाइम काफी ज्यादा अवार्ड जीते थे और बॉक्स ऑफिस पर भी एक सुपर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। ना सिर्फ ऋतिक रोशन बल्कि संजय दत्त को भी इस मूवी ने काफी बढ़िया पहचान दिलाई मास सिनेमा में, जहाँ पे इनके विलन के रोल कांचा चीना को काफी ज्यादा सराहा गया और बन गई ये एक आइकॉनिक मूवी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो टेस्ट चेंज कीजिए। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो 200 व्यूज क्रॉस करवा दीजिए और मैं ले आऊँगा इसका सेकंड पार्ट भी।